जैसे कि आप देख सकते हैं वो मेंथा पेराई के लिए टंकी लगाई गई है और ये कंडेंसर लगाया गया है और ये जो नीचे है ये तेल रिसीवर है। ये प्रोजेक्ट जो कोयल सिस्टम पहले चल रहा था उससे 4 घंटा से टंकी निकलती थी, अब ये प्रोजेक्ट लगवा दिया 2.5 से 3 घंटे में हमारी टंकी सप्लाई हो जाती है। साधारण टंकी की बात करें तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, इस दौरान आपका ईंधन भी खपत होता है। किसान भाइयों, मेंथा की पेराई के लिए आपको बहुत सारी मशीनें देखी होंगी, लेकिन आज ये जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट आपको कम समय में मेंथा की अच्छी पेराई करने का रिस्पॉन्स देगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आज बताएंगे जो कि साधारण टंकी के मुकाबले कहीं ज़्यादा ये बेहतर है। किसान भाइयों, जैसे जैसे समय बीतता गया इस आधुनिक युग में मशीनों का भी विस्तार होता गया, तो आज हम मेंथा की पेराई की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मेंथा की पेराई की जाती है, आप अगर मेंथा की पेराई करते हैं तो कितने टाइम में आपकी मेंथा की एक टंकी निकल जाए, कम से कम ईंधन में आपकी टंकी उतर जाए। किसान भाइयों, ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी खास बात है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि धान की 5 टॉप वैरायटी कौन सी हैं जिनकी आप नर्सरी करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में किसान भाइयों, वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो पूरी वीडियो देख लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं वो मेंथा पेराई के लिए टंकी लगाई गई है और ये कंडेंसर लगाया गया है और ये जो नीचे है ये तेल रिसीवर है। इसमें खास बात ये है कि आपको कम ईंधन में आपकी जो टंकी है, मेंथा की टंकी जो पेराई हो रही है वो उतर जाएगी। और इसमें खास बात है कि पानी की हम बात करें तो पानी बहुत ही कम लगता है और पानी जो आपका वेस्ट है, वेस्ट निकल जाता है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में लगता है, आपका पानी वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस विषय में हम जानकारी किसान से लेते हैं। हमारे पीछे जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसको हमारे साथ एक ऑनर है, इन्होंने लगवाया था, तो सबसे पहले इनका हम नाम जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? नीरज वर्मा। नीरज जी, जो आपने ये प्रोजेक्ट लगवाया था ये कितने वर्षों से आप इसमें मेंथा की पराई कर रहे हैं? 5 साल से प्रोजेक्ट लगवाया। सर, इसमें कौन कौन सी खास बात है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो मेंथा की पेराई कर रहे हैं या अगर उनको प्रोजेक्ट लगवाना है, सर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कौन सी खास बात है इसके बारे में? ये प्रोजेक्ट जो कोयल सिस्टम पहले चल रहा था उससे 4 घंटा से टंकी निकलती थी, अब ये प्रोजेक्ट लगवा दिया 2.5 से 3 घंटे में हमारी टंकी सप्लाई हो जाती है। 24 घंटा में 5-6 टंकी हम निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम साधारण टंकी की बात करें तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, इस दौरान आपका ईंधन भी खपत होता है, लेकिन जो इस टंकी में खास बात है, इस टंकी में आपका जो ईंधन है वो बहुत ही कम लगेगा और कम समय में, यानी कि 2.5 से 3 घंटे में आपकी टंकी उतर जाएगी। और सर, इसमें जैसे कि हम बात करें कि जो ये टोटल आपका प्रोजेक्ट लगवाने में कितना खर्च आता है इसके बारे में कुछ बताएं। सर, टंकी और कंडेंसर लगवाने में कम 2 लाख रुपए का खर्चा आता है जी। इसमें सर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दें। इंस्ट्रूमेंट क्या है, टंकी है और कंडेंसर है और रिसीवर है जी। और 1000 लीटर की टंकी रखी हुई है जी। और ये सब 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। यानी कि 2 लाख रुपए में आपका ये टोटल प्रोजेक्ट लगा है जी। अगर हम एक दिन की बात करें तो सर एक दिन में जो आपकी मेंथा पेराई की टंकी है उसमें आप कितनी टंकी निकाल सकते हैं? 24 घंटा में जी, 24 घंटा में कम से कम 6 से 7 टंकी निकाल सकते हैं। सर, उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई किसान 1 एकड़ की मेंथा की खेती की है तो सबसे पहले जो आपकी टंकी की क्षमता है उसमें कितनी टंकी होंगी? 3 से 4 टंकी होंगी बस जी। और जो औसतन सर समय लगेगा टंकी जो मेंथा पेराई का समय लगेगा वो कितना टाइम लगेगा? 12 घंटा 4 टंकी में। 4 टंकी में यानी कि 12 घंटे में आप 1 एकड़ की मेंथा की पेराई कर सकते हैं। सर, इसमें जो किसान की लागत आती है इसके अलावा कोई अन्य लागत आती है? कोई लागत नहीं इसमें। ये कंडेंसर है, इसमें कोयल का सिस्टम कंडेंसर है, ऊपर 1000 लीटर की टंकी रखी है ठंड पानी के लिए और ये रिसीवर है, ये गर्म पानी सप्लाई के लिए रोक रहे हैं। अच्छा, हाँ। यानी कि जो आपका गर्म पानी हो जाता है उसको आप वेस्ट नहीं करते, हाँ। निकालते नहीं हैं, वो भी अपने यूज में ले लेते हैं। हाँ, यूज में लेते हैं। अच्छा सर, ये जो 1000 क्षमता की आपने टंकी रखी है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक टंकी में कितनी बार भरवाना पड़ता है? एक टंकी में 4 बार। 4 बार, हाँ, 4000 लीटर सप्लाई करना पड़ता है जी। यानी जो मेंथा की टंकी आप पेराई कर रहे हैं उसमें करीब 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा और जो पानी आपका वेस्ट जाता है वो भी नहीं लगेगा और जो आप ईंधन है
ईंधन भी कम मात्रा में लगेगा, कम समय में आप करीब एक एकड़ में चार टंकी की पेराई कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये किसान नीरज वर्मा जी, जो आपको मेंथा के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, करीब 2 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। किसान भाइयों, ये जो वीडियो आप धान की खेती की देख रहे हैं, धान की 5 वेराइटी कैसे करें, ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।